हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। मैं सनत कुमार। दोस्तों, आप देखने जा रहे हैं एक 4 बेडरूम का फ्लैट जो कि सोसाइटी कंडीशन में बिल्कुल रॉ फ्लैट है। जैसा दिख रहा है वैसा ही बेचना है, तो आप इसे रॉ कंडीशन में ही देखें। फ्लैट का साइज़ 154 स्क्वायर मीटर तथा सोसाइटी का जो मेंटेनेंस है वो 2500 रुपये पर मंथ तथा मेंटेनेंस में एक कार पार्किंग, सेकेंड कार के लिए 300 रुपये तथा थर्ड कार के लिए आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में यदि हम बड़े फ्लैट की बात करें तो ये पटपड़गंज का सबसे बड़ा फ्लैट है जो कि आप देख रहे हैं। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। अगर मार्केट रेट की बात करी जाए तो फ्लैट ओनर की तरफ से 2,60,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस रखी गई है और 2,60,00,000 रुपये का 80% आपको लोन मिलता है यहाँ पर। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस सामने की तरफ, और ये हो गया ड्राइंग रूम। हॉल वगैरह देख के आपको आइडिया चली जाएगा कि साइज़ कैसा है। आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज में यदि हम बात करें बाटला कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की, तो ये पटपड़गंज की बिगेस्ट सोसाइटियों में से मानी जाती है तथा जो फ्लैट है ये पटपड़गंज के अंदर बाटला अपार्टमेंट में 4 बेडरूम, ये पटपड़गंज का सबसे बड़ा फ्लैट माना जाता है। बाटला कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी एवीबी पब्लिक स्कूल के जस्ट बराबर की सोसाइटी है। यदि यहाँ आप मेट्रो के लिए जाना चाहें या NH24 से कनेक्ट होना चाहते हैं, एग्ज़िट होना चाहते हैं, तो आप फटाफट जो है अब जा सकते हैं। नियर बाई फैसिलिटीज़ की यदि हम बात करें तो बालको मार्केट साथ है। लोकल मार्केट की बात करें तो मंडावली लोकल मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमने एंट्री करी, सामने की तरफ डाइनिंग स्पेस, आगे ड्राइंग रूम, साथ में ड्राइंग रूम डाइनिंग स्पेस के साथ में किचन। ये रॉ फ्लैट है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, रॉ फ्लैट है, सोसाइटी कंडीशन में है, हालांकि लिविंग कंडीशन पे है। अभी रहने वाले लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अब इसको जो भी परचेज़ करेगा उसे एक ठीक ठीक सा काम कराने की ज़रूरत पड़ेगी और ठीक ठीक सा काम कराना ही अच्छा रहेगा। ड्राइंग, डाइनिंग, किचन, डाइनिंग स्पेस के साथ बालकनी, और इस बालकनी से आप जो है ड्राइंग रूम में भी जा सकते हैं, डाइनिंग स्पेस पे भी जा सकते हैं। ये इस फ्लैट की बड़ी बालकनी है। कुछ लोगों ने इसे ड्राइंग रूम में डाइनिंग स्पेस के साथ जो है मर्ज कर लिया है। ये आपकी इच्छा है कि आप इसे कैसा यूज़ करना चाहें। सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ये एवीबी पब्लिक स्कूल है। दोस्तों, आईपी एक्सटेंशन के आसपास की लोकेलिटीज़ में यदि किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन पर भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। 4 बेडरूम का ये फ्लैट है, जैसे कि मैंने बताया है, 4 बेडरूम में से ये पहला फ्लैट है जिसका साइज अकॉर्डिंग टू दूसरे रूम से थोड़ा छोटा है। फिर भी आप देखेंगे साइज़ काफ़ी अच्छा है इसका, क्योंकि ये प्रॉपर 4 बेडरूम का फ्लैट है, 154 स्क्वायर मीटर कवर्ड प्लिंथ एरिया में, तथा इस रूम के साथ अपने को अटैच टॉयलेट बाथरूम, और अटैच टॉयलेट बाथरूम के पहले ये आप देख रहे हैं ये एक स्टोर रूम है, इसे आप ड्रेसिंग बहुत अच्छा बना सकते हैं। और ये हो गया अटैच टॉयलेट बाथरूम। यदि टॉयलेट बाथरूम का एरिया आपको कम लगता है या साथ में वॉशिंग एरिया बनाना है, और भी प्रोविज़न है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर 3 बेडरूम 4 बेडरूम के साथ 3 टॉयलेट हैं, फिर भी अगर आप बनाना चाहें तो ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलता है, आप इसे बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा ड्राइंग एंड डाइनिंग, किचन, बालकनी, पहला बेडरूम, पहले बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम, ड्रेसिंग एरिया, और हम आगे बढ़ते हैं अब 3 रूम्स की तरफ। जैसे कि सामने देख रहे हैं,
डाइनिंग स्पेस, राइट हैंड पे किचन, और यहाँ पर जो हम एंट्री करेंगे तो राइट हैंड पे पहला बेडरूम और लेफ्ट हैंड की तरफ दो कमरे। बोले तो प्रॉपर तीन बेडरूम का जो सेटअप है वो यहीं से हम इसमें एंट्री करते हैं, जिसमें हम तीन कमरों के साथ हमें दो टॉयलेट मिलेंगे। पहला मास्टर बेडरूम के साथ अटैच है और दूसरा इन दोनों टॉयलेट के साथ हम कॉमन यूज़ कर पाएंगे। तो चलते हैं हम सेकेंड बेडरूम के साथ। राइट हैंड पे आप देख रहे हैं एनबेड अलमीरा बनाने का प्रॉपर प्रोविज़न है, और जो रूम है उसका साइज़ आप खुद अमेजिंग कर सकते हैं 6x6 का बेड के बाद। ये सामने की तरफ आप देख रहे हैं स्टडी टेबल, कंप्यूटर टेबल लगी हुई है, प्रॉपर मूवमेंट के लिए जगह है, तथा इसके साथ अपने को मिलती है एक सेपरेट बालकनी। और इस बालकनी से भी जो व्यू आता है सामने ABP पब्लिक स्कूल की तरफ अपने को नज़र आएगा। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये हो गया अटैच्ड वाला बाथरूम। सेकेंड बेडरूम अटैच टॉयलेट बाथरूम बालकनी के साथ। बाटला कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं राइट हैंड पे बच्चों को खेलने के हिसाब से झूले वगैरह लगे हुए हैं, तथा सोसाइटी कंपाउंड में ही बड़ा मंदिर, सेंट्रल पार्क, इस तरीके से ठीक ठीक सी व्यवस्था हो रखी है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये तीसरा रूम है और लेफ्ट हैंड पे चौथा रूम है। वीडियो में किसी रीजन से चौथा रूम नहीं आ पाया है, बहुत बहुत धन्यवाद।